हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं MI A3 टच वेज। जो हमारा टच स्क्रीन काम नहीं करता तो कब क्या करना चाहिए, हम आपको दिखाते हैं। हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, तो आप देख सकते हो 21, 24, 25, 26 और 27 ये टच की लाइन है। 21, 24, 25, 26, 27, तो ये हमारी 27 वाली लाइन देखो पीछे इस पॉइंट पे आती है, 26 वाली भी इस पॉइंट पे, और 25 और 24 वाली भी इस पे, और 21 वाली जो यहाँ से कैपेसिटर से फिर ऐसे यहाँ से 8405 कैपेसिटर से हमारी आगे जाती है। तो हम आपको दिखा दे PF TS इनपुट और TS I2C और TS I2C SCL और TS रीसेट नेगेटिव। तो हम जाते हैं लाइन देखते हुए, तो हमारी लाइन कहाँ जाती है, तो आप देख सकते हो यहाँ से होते हुए हमारी एक यहाँ से इस CPU में इस साइड पॉइंट पे और एक इस साइड पॉइंट पे, बाकी दो हमारी यहाँ CPU में भी जाएगी और फिर हमारी नीचे यहाँ पे भी आएगी जो पीछे की साइड है। तो आप वो लाइन मिस होते यहाँ पे जंपर लगा सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे 1.8 वोल्ट जो हमारे पावर आईसी से मिलता है जो यहाँ से जनरेट होता है, और हमारा ये जो मेन होता है वोल्टेज वाली लाइन जो आप रेड कलर की देख रहे हो 3.0 वोल्ट आता है। ज़्यादातर इसमें फॉल्ट आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से इस पॉइंट से कैपेसिटर फिर हमारी लाइन आएगी, तो इसको हमारा VPH पावर मिलता है जो हमारे चार्जिंग आईसी से यहाँ से VPH पावर जनरेट होता है वो हमें यहाँ पे देता है। फिर यहाँ से हमारे एक हमारी EN वाली जो होती है यहाँ से हमारा वोल्टेज कन्वर्ट होके 3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। 100K का आप रजिस्टर भी चेक कर सकते हो। फिर हमारा EN सिग्नल जो हमें मिलता है वो सीधे CPU से मिलता है, यानी EN सिग्नल क्या काम करता है, तो EN सिग्नल हमारा है ना जो IC का वोल्टेज कम करने के लिए जो उसको ऑर्डर देता है कि आप 4 वोल्ट हो तो 3 वोल्ट में कन्वर्ट करो। IC वोल्टेज कन्वर्ट करती है, अब कब करेगी, जब उसको सिग्नल मिलेगा, इसलिए हमारे CPU से सिग्नल मिलता है फिर हमारे 3.0 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हो, आपको दिखा दे भी यहाँ से हमारी ये चार लाइन है, आप ठीक से देख लेना, ये हमारी चार लाइन में से दो लाइन यहाँ पे और हमारी दो लाइन नीचे जाती है। इस पर देखो यहाँ पे CPU में भी आता है और हमारे इस पॉइंट पे भी आता है। फिर इस पॉइंट के अंदर हमारा 2.2K का कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप वहाँ चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हो। फिर हमारा इसको 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए दूसरी साइड में, तो हमारा 1.8 वोल्ट हमारे PMIC से मिलता है। और हमारा एक है ये EN सिग्नल वाला आपको जो बताया यहाँ से आता है, और हमारा एक है VPH जो चार्जिंग IC से जनरेट होता है। दोनों लाइन हमारी इस वाले IC पे आएगी जो वोल्टेज कन्वर्ट करती है और हमारा 3.0 वोल्ट बनाती है, हमारा 4.2 या 3.7 वोल्ट जो देता है यहाँ से, तो ये हमारे IC में आता है और हमारा EN सिग्नल उसमें काम करता है, यहाँ से 3.0 वोल्ट बनता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से फिर हमारे यहाँ पे ओके यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।